हेलो स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाया हुआ है वो चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने सारा की सारी डिस्कशन की हुई, वही इस एग्जाम के लिए भी अप्लाई होता, मतलब उसमें दिए गए आईएमपी वही रीड कीजिएगा, क्योंकि उसी में से देखिएगा 2020 का पूरा पेपर पूछा गया, तो वही आईएमपी उतनी बहुत हो गई इस ईयर की स्टडी करने के लिए भी। जस्ट इतना सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप कोई दो यूनिट पढ़ रहे हो तो जो भी दो यूनिट पढ़ रहे हो उसमें जो दिए गए आईएमपी वो तो पहले पढ़िएगा, उसके अलावा एक से दो क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा दो मिनट आपका कंप्लीट आ जाएगा एग्जाम के अंदर। और साथ साथ में बोलना चाहूंगा कि जो यूनिट नंबर 4 है जिसमें सम्स दिए गए, आप देख के जरूर जाइएगा, उससे क्या होगा आपको चाहे क्वेश्चन 4 में ना देखने को मिले बट 2 मार्क के जहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें एक तो मुड़ी बजट कैपिटल बजटिंग का सम्स होता है, दूसरा डिबेंचर का टॉपिक होता है। डिबेंचर के टॉपिक की रिगार्डिंग 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो चेकआउट कीजिएगा, आपको लिस्ट में मिल जाएगा। और मुड़ी बजट आप जानते ही है हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंट है उसमें पूछा जाता है, तो सम्स को भी आप ध्यान में ले सकते हैं। लेकिन जो आज स्टडी कर रहे जिनको सम्स नहीं आता है, जिनको थियरी करना है, तो उसके लिए मैंने उसमें आईएमपी बताया हुआ है और कौन से दो मिनट करने चाहिए वो भी मैंने बताया हो, तो प्रीवियस वाला वीडियो पूरी तरह से जरूर चेकआउट कीजिए, उसकी लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगी, वरना प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।